तो वहाँ के 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 हॉस्टल लड़के लड़के लाइक लड़की सब मतलब है ये क्या है, क्या, है, क्या बन से 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 मेरे को पे पे मिल गए जो फर्स्ट मेरी थी, मास्टर जी से वहाँ पे थी। मैं कम कम घंटे घर के नीचे खड़ा रहा जुलमी शब्बो कहाँ से आई अब जुमी, जुमी शब्बो की भी

तो गुटका खाते हैं ना वो mm. साले ने गुटका खाके ऐसे थूका तो मेरे ऊपर आके गिरा हेलो गाइस नमस्कार श्री अकाल आदाब तो कैसे हो आप लोग तो भाइयों आज जिस पर्सनैलिटी से आपको मैं मिलवाने जा रहा हूँ वो एक बहुत ही फेमस यूट्यूब चैनल का पार्ट है और उस चैनल का नाम है सेवेंजर्स सेवेंजर्स वो है जो अभी शॉर्ट्स में बहुत टॉप पे चल रहे हैं जिन्होंने शॉर्ट्स में अपना एक नाम हासिल किया एक मुकाम हासिल किया और ऐसे ही इनके टीम मेंबर्स भी अपने अपने प्लेटफॉर्म्स पे जैसे इंस्टाग्राम पे अपने अपने अकाउंट्स बना के अलग अलग काम कर रहे हैं और अच्छा नाम कमा रहे हैं और टीम में तो साथ काम ही कर रहे हैं तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी ये जर्नी हमारे न्यू गेस्ट के साथ जिसका नाम है अरशद कैसे अरशद सर मैं अच्छा हूँ आप बताओ बहुत बढ़िया भाई तो कैसी चल रही है जिंदगी सर जिंदगी एकदम मस्त बेहतरीन बेहतरीन तो जनता को कुछ बताना चाहो ना अपनी जिंदगी के बारे में कि तुम कैसे कैसे स्टार्ट किया और कैसे आज यहां तक पहुंचे जनता को तो मैं बस यही बताना चाहूंगा सब कुछ मेहनत की वजह से है और मेहनत नहीं करते तो आज इस मुकाम पर नहीं आते और एक बहुत छोटे से गांव से मैं निकला हुआ हूँ सोशल मीडिया से पहले मेरी एक और लाइफ थी जो कि क्रिकेट लाइफ थी क्रिकेट में मैं खेलता था मतलब बहुत कम एज में मैं क्रिकेट स्टार्ट कर दिया था खेलना वहाँ पर क्रिकेट खेला उसमें भी अच्छा खासा नाम करा बस अनफॉर्चुनेटली एक एक्सीडेंट हो गया साथ में तो उस टाइम क्रिकेट छूट चुका था 2016 में क्रिकेट बिल्कुल ख़त्म उसके बाद 2017 में एक नया मोड़ लेती है लाइफ जो कि मैं दिल्ली के अंदर आता हूँ भाई मैंने सुना था दिल्ली में यार कैसे कैसे लोग होते होंगे मतलब लाइक एक गांव का लड़का दिल्ली में आ रहा है तो यार बहुत ही अलग एक अलग वो होता है एक्सपीरियंस तो मैं दिल्ली में आया मेरे दादा मेरे को दिल्ली लेके आए उन्होंने लाइक मेडिकल लाइन में मेरे को जोड़ने का उन्होंने सोचा कि इसको अब क्रिकेट तो छुट गया अब लाइक एक मेडिकल लाइन में इसको जोड़ा जाए तो मेरे दादाजी का मेरे चाचा वगैरह हॉस्पिटल है उनका दिल्ली के अंदर तो वहाँ वर्क करने लगा काम करने लगा फिर मेरा एडमिशन हो गया एक मेडिकल मेडिकल कॉलेज में जो कि है देहरादून में और वहाँ पे मेरा एडमिशन हो गया तो मैं प्रैक्टिस अपने हॉस्पिटल ही करने लगा वहाँ पे अपने दादा वाले हॉस्पिटल में तो कंटिन्यू प्रैक्टिस चलती रही वहाँ पे और फिर कॉलेज भी मेरा आना जाना होने लगा स्टार्टिंग लेकिन मेरे को एक फील थी अंदर कि यार मैं क्रिकेट में इतना लेवल कर चुका था तो मैं तो फिर इसी लाइन में फंसा रह जाऊँगा कि लाइक डॉक्टरी में पेशेंट आएंगे मिलेंगे मेरे को करना था बड़ा कुछ तो अब वहाँ पे मेरे को माइंड घूमा तो मैं अपने कॉलेज में हॉस्टल में वहाँ पे मैं वीडियोस वगैरह शूट करने लगा क्योंकि एक लास्ट वही ऑप्शन था मेरे पास सोशल मीडिया कि वहाँ पे वर्क करना पड़ेगा तब जाके कुछ नाम होगा कि लोग जाने पूरा इंडिया जाने लाइक इस तरीके का दिमाग में माइंड सेट हो चुका मेरे वहाँ पर तो मैं मेहनत चालू कर दी हॉस्टल में तो वहाँ के हॉस्टल के लड़के लाइक लड़की लड़के सब मतलब है है ये क्या ये, क्या टिकटॉकर टिकटॉकर बन टिक लाइक टिकटॉक पे वही एक प्लेटफॉर्म था उस टाइम पे जो ज्यादा वायरल चल रहा था <coughs> टिकटॉक पे हम वीडियो शूट करने लगे मैंने एक ट्राईपोड ऑर्डर करा वहां पे ट्राईपोर्ड मंगाया ट्राईपोर्ड में वीडियो शूट करने लगा खुद ही थ्री टू वन स्टार्ट करके पीछे जाके एक्ट कर रहा वहाँ पे कुछ वीडियोस वायरल भी हुई बट वही है कॉलेज में लड़के लड़की मजाक बना रहे फिल्म बना रहे कि पता नहीं क्या मेडिकल लाइन है और बना रहा वीडियो तो मतलब यार मतलब बहुत अजीब सा एक लाइन वो वो प्रोफेशनली अलग था वो ये प्रोफेशन अलग था बट फिर भी कोई बात नहीं मेरे मेरे को था करना तो कि डॉक्टरी तो हो रही है क्लासेस जा रहा हूँ सीख रहा हूँ क्लासेस जा रहा हूँ सीख रहा हूँ कुछ वीडियोज में भी होना चाहिए तो लाइक मैं वहाँ पर वीडियो शूट करने लगा और धीरे धीरे टिकटॉक फिर उसके बाद लास्ट में ऑप्शन आया टिकटॉक बंद वो <laughs> फिर, फिर टिकटॉक बंद हो गया अब क्या करे भाई साहब टिकटॉक बंद फिर इंस्टाग्राम आ गया इंस्टाग्राम पे मेहनत करने लगे रील्स बनाने लगे वायरल ना वायरल नहीं हो रही यहीं पे आते थे हम पास में एन एस पी सी पी हफ्ते में एक बार आते थे अपना कलेक्शन इकट्ठा करा वीडियोस का तो डालने लगते थे उस पर कहा जितना किराया होता था इतने भी लाइक नहीं आते थे लाइक ये सौ रुपये का किराया और सत्ताईस लाइक तीस लाइक वहाँ से डिमोटिवेट होने लगे लाइक तो ऐसी चलती साल भर हो गया चलते चलते चलते, चलते चली गई एंड फिर लास्ट में मैंने सोचा क्यों ना मैं एक गाना शूट करूँ YouTube ना पे। किया। <laughs> क्यों ना मैं एक गाना YouTube पर शूट करूं <coughs> तो मेरे दोस्त थे काफी लाइक जाफराबाद लोनी वोनी के सब दोस्त थे हम साथ में टिकटॉक पे वीडियोस वगैरह बनाते थे तब तक टीम से कोई कनेक्ट connect, कोई कनेक्शन नहीं था नहीं। अकेले ही चल रहा था तो वहां पे दोस्तों के साथ एक गाना बनाया और इधर उधर के तो गाना बनाया गाना बनाया फिर देखा कि हाँ उस वक्त हमारे जो मास्टर जी बनी भाई जो चलते थे भाई सब हर कोई चाहता था मिलना उनसे hmm. तो मैंने टिकटॉक बंद हो चुका था मैंने सोचा क्यों मैंने फर्स्ट टाइम गाना बनाया तो मैं सोच रहा था कि क्यों ना हम एक बार वहाँ पे जाके उनको दिखाएं गाना कि कैसा गाना बनाए लाइक like कोई कमी हो तो वो बताए hmm. मेरा माइंडसेट ये था ना कि मैं एज अ फैन की मैं जा रहा हूँ वहाँ पे फोटो शूट करूँगा उनसे लाइक like, मतलब कोई हेल्प लूंगा इस चीज की सिर्फ मैं इसी पर्पज से गया था कि भैया मैंने गाना बनाया और इतफाक ऐसा था बनी भाई को मैं जानता था उस टाइम पे क्योंकि मैं ऑलरेडी बनी भाई के जिम में वहाँ पे तो बनी भाई से मिलने दो तीन दिन तक लगातार गया नहीं मिल पाए तो मैं एक दिन गर्मी के गर्मी का टाइम था मैं गया कि गाना अपलोड तभी करूंगा जब इतने में दिखाना दू तो मैं गया इतिफाक से मेरे को मास्टर जी वहां पे मिल गए जो फर्स्ट मीट थी मास्टर जी से मेरी वहां पे थी मैं कम से कम दो तीन घंटे मैं घर के नीचे खड़ा रहा मैंने बोला कि बताया घर में लाइक <laughs> ऐसे like, से मेरे को मिलना है तो घर वाले तो लाइक like, ऐसे ही कि बहुत आते थे वहां पे लोग ऐसे ही मैं एक था उनमें कि आने वाला तो वहां पर गया मैं मास्टर जी मिले मेरे को सच में फर्स्ट टाइम उनका बिहेवियर लाइक ऑसम उनका बिहेवियर मेरे को बहुत अच्छा लगा और ने मैंने कहा भैया मैंने एक गाना बनाया उन्होंने देखा काम देखा गाने का उन्होंने बताया कि इसका कलर करेक्शन थोड़ा सा मिस्टेक है वो ठीक करो उसके बाद गाना डालो मतलब उन्होंने मेरे को ओवरऑल चीज़ें समझाई वहाँ पे तो मेरे को बहुत अच्छा लगा लाइक फिर नेक्स्ट टाइम मैं भैया से फिर से मिला भैया ने कहा अच्छा काम करा बहुत बढ़िया तो भैया ने कहा कोई ना हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो उसमें काम करेगा तो बस वहाँ से हमारी भैया मास्टर जी के साथ कनेक्टेड हुई बनी भाई मिले वहाँ पे बनी भाई से बात हुई सब कुछ ओवरऑल बेस्ट रहा वहाँ तक का हमने जो अपनी टीम एक कलेक्ट कर ली उसके बाद वर्क करते रहे काम करते रहे हम साथ में फिर भैया को चाहिए थी कुछ बड़ी टीम जो काम करने वाले बंदे थे तो हमने वीडियो शूट करी तो मेरे दोस्त जो पहले पुराने दोस्त थे जिनके साथ मैंने गाना शूट करा था मेरे को पता था कि वो लोग काम करने वाले नहीं है वो ऐसे है कि हफ्ते में एक बार शूट कर रहे हैं जैसी मेरे को लगन थी उनको ऐसी नहीं थी भैया को चाहिए थे मास्टर जी को कि काम वाले बंदे कि लाइक उन वो वर्क करे अच्छा सा मेहनत से साथ में तो मैं मेरे को पता था कौन करते हैं क्योंकि अब हमारी टीम में जो पहले थे एक बंदा मिला था फिर मिले शाहरुख भाई फिर काशिफ भाई तो मैंने बताया उनको ऐसे ऐसे फिर हमने मास्टर जी ने उनको कनेक्ट करा बनी भाई ने उनको कनेक्ट करा साथ में वर्क देखा फिर हमने साथ में एक वीडियो शूट करी टाइप्स ऑफ कोच अच्छा हाँ वो वीडियो हमने शूट करी वहाँ पे वीडियो शूट करने के बाद रेस्पॉन्स अच्छा आया मास्टर जी को काम अच्छा लगा कि हाँ भाई मेहनती लड़के हैं तो कंटिन्यू वर्क करते रहे फिर सा, साथ में और काशिफ भाई फिर शिफ भाई सबसे लेट सबसे बाद में काशिफ भाई आए थे हमारी टीम में रीजन रीजन ये था काशिफ भाई को मैं ज्यादा नहीं जानता था अच्छा। मेरी ऐसे थी कि लाइक सलाम दुआ ला, कभी मिल गई सलाम दुआ हो गई इत्तिफाक से मिल गए ऐसे लाइक ऐसे जानता था लेकिन जो मेरे दोस्त थे शाहरुख भाई एक लड़का और था वो हट चुका टीम में से वो काशिप भाई उनके दोस्त थे तो एक दिन ऐसा हुआ अचानक मास्टर जी ने बोला कि हम एक प्रोजेक्ट पर काम करते हैं कोई स्कूल का कंटेंट था एक लाइक एक सुना होगा पलीट वायरस उस टाइम कोविड कोविड के टाइम पे हमने कोविड ना, नाम दे के पलीट वायरस नाम दे दिया उस वीडियो का टाइटल था और तो उसमें कह रहे कि एक मतलब और लड़कों की जरूरत है जो काम कर सकते हैं उस एक दिन पहले मेरे से काशिप भाई की रात को तीन बजे काशिप भाई नॉर्मल मैं नहीं जानता था बस सलाम दो बस मेरी बात हुई काशिप भाई से रात को तीन तीन चार बजे करीब तीन बजे बात हुई एक घंटा बात हुई ऐसे नॉर्मल भाई के बढ़िया कर रहे हो काशिफ भाई कहते हैं भाई बहुत खुशी होती है तुम आगे बढ़ रहे हो मगर हाँ भाई बस मेहनत कर रहे हैं साथ मास्टर जी दे रहे हैं इन्होंने कभी जाहिर नहीं करा कि मेरे को भी कुछ करना है लेकिन आग अंदर थी बहुत तगड़ी इनके तो पे तो वहां पे काशिफ भाई की जर्नी स्टार्ट हो गई थी और काशिफ भाई को कसम से इतना प्यार मिला टीम के अंदर

और सेकंड ऑप्शन हमने एक जो टीम वर्क होता है ना लाइक आज के टाइम में टीम वर्क क्या चल रहा है लोग पैसे के चक्कर में टीम छोड़ रहे हैं कि यार पैसे नहीं आ रहे भाई ये कमा रहा होगा ज्यादा इस चक्कर में टीम छोड़ दी कि भाई हम अपना काम देख लेंगे घर भी देखना है।, सच बात है हमने क्या करा है हमने पैसे को बिल्कुल पहले नहीं रखा हमने पैसा पहले नहीं रखा लाइक हमने काम को पहले रखा है और काम को पहले रखा है इसी वजह से आज हम पैसा भी कमा रहे हैं। बिल्कुल। काम करोगे पैसा अपने आप आएगा। <coughs> भाई, भाई तो ऐसे एग्जाम्पल हमारे आंखों के सामने इतने एग्जाम्पल मिल चुके हैं वहां पे उनके साथ बुरा करेगा वो बंदा गटर में जाएगा और ऊपर वाला हमें ऊपर उठाएगा बहुत बेहतरीन और सेवेंजर्स को तुमने इतना टॉप पे पहुंचा दिया देखा जाए दे तो ठीक है आज के टाइम में हमारे सब्सक्राइबर्स पंद्रह मिलियन है लेकिन स्टिल आई कैन से प्राउडली कि सेवेंजर्स इंडिया के सबसे बड़े शॉर्ट्स कॉन्टेंट क्रिएटर हैं बिल्कुल भैया बिल्कुल क्योंकि जरूरी नहीं होता सब्सक्राइबर्स में करें बिल्कुल बिल्कुल तो ये सबसे बड़ी हाँ सब्सक्राइबर बहुत लोगों के हैं इतने बट फेस वैल्यू और जैसा प्यार सेवेंजर्स को मिला है बिल्कुल किसी को शायद ना मिला हो जितना लोग फैमिली लोगों के चेहरे पे हंसी आ जाती है हमारी वीडियो देख के hmm. इससे बड़ी बात हमारे लिए क्या हो सकती है डिप्रेशन well, के लोग एक 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 किस्सा बताता हूँ भैया मैं हम यहाँ पे आए थे जाफ़राबाद में मैं काशिफ भाई शाहरुख भाई तो वहाँ पे हम स्लीपर वगैरह लेने आए थे वहाँ पे तो एक बंदा हमें मिला था वहाँ पे वो कह रहा भाई साहब वो मिला हम भी वो देख के ना सरप्राइज हो गए एकदम से हमको कि भाई यार तुम्हें मैं रियल में देख रहा हूँ मैं कह कहला कोई बात नहीं मैं हमने पूछा कि बताओ भैया कैसे सब ठीक ठाक वो कहला कि भाई मैं कैंसर पेशेंट हूँ mm. और मैं इतना डिप्रेशन में पहुंच चुका था तो डॉक्टर ने मेरे को ये बोला कि आप ना टेंशन मत लो आप ना ज़्यादा से ज्यादा ऐसी चीज देखो जिससे तुम्हें खुशी मिले उस बंदे का कहना था कि भाई मुझे आपकी वीडियो से खुशी मिली है और मैं डिप्रेशन से ना बिल्कुल क्लियर हो चुका हूँ आप लोगों की वीडियो देख के तो आप लोग वीडियो रेगुलर बनाओ ताकि हम जैसे भाइयों को हम बिल्कुल डिप्रेशन से बाहर आ जाए तो इस, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है लोग हमारी वीडियो देख के डिप्रेशन से निकल रहे हैं बहुत मतलब ये एक्चुअल एक में बहुत बड़ी बात है पता है क्या एक तो तुम्हारा जो कंटेंट है ना वो बड़ा ग्राउंड लेवल से जुड़ा हुआ जी भैया इसको देखने में बड़ा मजा आता है रिलेटेबल है खुशी मिलती है एक सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है क्योंकि जनरली आप शॉर्ट्स कंटेंट क्रिएटर्स को देखोगे ना हाँ उनके कॉन्टेंट में ना सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है

फोकस करते हैं कि उसको पकड़े उसको बनाए और हमेशा मास्टर जी हमें सिखाते रहते हैं कि कंटेंट कंटेंट ऐसा बनाओ जो रिलेट करे लोगों से क्योंकि हर चीज ना आज के टाइम में रिलेटेबल चीज को लोग पकड़ते हैं लाइक गूगल like, से क्या गूगल से पढ़ा हुआ जोक होता है उसको वीडियो के पिक्चराइजेशन कर देते हैं बात तो सेम है

अब मैं उसके पीछे एक रीजन जानना चाहता हूँ कि आज तक, तक तुम्हारे चैनल में एक लड़की क्यों नहीं आई हमारे चैनल में भैया लड़की इसलिए नहीं आई क्योंकि हम बिलीव नहीं करते कि लड़की हमारे कंटेंट में आए क्योंकि जब हम लड़की जैसा एक्ट कर सकते हैं तो हम नहीं चाहेंगे कि किसी लड़की को टीम में ले हम लाइक कंटेंट like में ले लड़की की एक्टिंग करना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है जब हम उसको कर सकते हैं तो हम ही करेंगे ना न किसी चीज की भसड़ रहेगी कि लड़की नहीं आ रही फोन कर रहे कि आज घर में प्रॉब्लम है पापा नहीं मान रहे मम्मी नहीं मान, मान रही लाइक इस तरीके से हम वो एक्ट कर सकते हैं सिंपली हम करते हैं उस चीज को कोशिश करते हैं उसको बेस्ट बेस्ट से बैश्ट देना लड़की की आवाज निकालनी है अजाई दिखानी है तो वो हम कर देते हैं क्या आ, दिक्कत है उसके लिए तो हमारे जुलमी शब्बो बड़ी फेमस है तो जुलमी शब्बो कहा से आई अब जुलमी जुलमी शब्बो की भी कहानी जाननी है हमें जुलमी क्यों बने जुलमी शब्बो काशिफ को क्यों नहीं बनाया इसका हाँ रीजन है इसका भी हाँ। लाइक हम छत पे बैठे थे हाँ। हमारी वीडियोस चल रही थी मिलियंस में व्यू आ रहे थे उसमें <coughs> तो मास्टर जी ने हमें एक राय दी लाइक बैठे हुए जैसे ऑफिस में डिस्कस चलता रहता है तो वो कहने लगे कि यार वीडियोस तो तुम्हारी वायरल हो रही है लेकिन कोई कैरेक्टर ऐसा भी लाओ ना जो लोग जाने इस कैरेक्टर से कि तुम इस कि हाँ भाई लाइक ये जुलमी सब वो है तो रात को माइंड में आया मेरे सीरियसली मेरे नाम माइंड में आया कि जुलमी लाइक like, हम एक लड़की का कैरेक्टर निकालते हैं mm. और मैं मेरा फेस कट कुछ लड़कियों की तरह ही रहता है बिल्कुल जो भैया रियलिटी <laughs> है लोग कहते हैं mm. मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ कि हाँ भाई लड़की की तरह होता है क्यों ना हम अपने लड़की का कैरेक्टर उतारे वीडियोस वीडियोज में yeah. और कॉन्सेप्ट सोचा था काशिफ भाई ने शाहरुख भाई ने दोनों ने मिलके क्लियर करवाया तो सबसे पहले हमने एक बेकरी होती है ना लाइक पापे वाली बेकरी रही वहाँ पे हमने स्टार्ट करा वो कैरेक्टर जुल सब होगा कोई उधार के ऊपर मसला था और भैया वो वीडियोस वाकई में बहुत वायरल हुआ वो वीडियोस इतना चला मेरे को मेरे रियल नाम से नहीं जानते आज भी जैसे मैं जाता हूँ ना घर पे जाता हूँ स्कूटी से जाता हूँ

फंसा देता बनी भाई को और लास्ट में हंसी स्माइल निकल जाता गई थी वाली वीडियोस बहुत वायरल हुई थी क्योंकि तो, बेसिकली बोला जाए तो यार को एक फादर चाहिए होता है बिल्कुल हाँ, गॉड फादर हमारे मास्टर जी है बनी भाई हमें बहुत सजेस्ट करते हैं हमें समझाते रहते हैं तो तो वो तो अलग बात है बनी भाई भी हमें मतलब ऐसा काम करो बाहर निकलो चीजों को एक्सप्लोर करो मतलब बहुत सारी चीजें बनी भाई बहुत समझाते हैं मास्टर जी प्यार से समझाते हैं बनी भाई थोड़ा स्ट्रिक्टली समझाते हैं <laughs> हर किसी का एक मिजाज हो जाता है हाँ वही तो बहुत अलग मिजाज है बनी भाई का वो स्ट्रिक्टली समझाते हैं तो हम थोड़ा नर्वस होकर डर के बट हम उसको करने की कोशिश करते हैं मास्टर जी क्या तो जुलमी शब्बो को मैं बताऊँ कैसे छेड़ते हैं जुलमी शब्बो है जुलमी सब्बो है निकल जाते हाँ मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि लोग घरों में प्यार मिल रहा है इस कैरेक्टर को और वो भी एक प्यार ही एक तरीके हाँ, है कि बिल्कुल तो फिर मजाई मेरे झेड़ता है काशिफ भाई, ले <laughs> <laughs> भाई वो लड़ाई झेल लेते हैं <laughs> सूद देते हैं पकड़ के मैं कहता है यार छोड़ो यार ऐसे कैसे छोड़े मैं कुछ कह रहा हूं मैं चलो कोई बात नहीं काशी भाई बर्दाश्त नहीं करते वो छेद देते हैं पकड़ के तो मुझसे कैसे मिले भाई ये भी स्टोरी बता दो जनता को किनसे मुझसे कैसे मिले अरे भैया छोटी यहाँ पहुंच गए अरे भाई। लेवल अप हो गया हमारा जब से हम भैया से मिले हैं क्योंकि भैया ने बहुत सारी चीजें सिखाई उस चीज को हमने फॉलो करा और आज आपके सामने रिजल्ट थैंक यू सो मच बड़ा अच्छा लगा है खुद की तारीफ में इतने सारे शब्द सुन के नहीं भैया जो रियल है रियल है कसम से हमें खुद खुशी होती है भैया से मिलना हम मौका तलाश करते हैं भैया के पास कब जाए भैया <laughs> के पास कब जाए तो मिल जाता है मौका तो भैया से हम आते हैं अच्छा अब बात करते हैं हम गोवा ट्रिप के बारे में <laughs> गोवा ट्रिप तो तुम पहली बार गोवा गए थे फर्स्ट टाइम <laughs> हम गोवा गए तो स्टोरी सुनाओ वैसे मैं साथ था मुझे तो सब पता है जनता को सुनाओ अपनी गोवा ट्रिप की स्टोरी कुछ हम गोवा गए फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था हम एक तो सबसे बड़ी बात हम हवाई जहाज से जा रहे थे जो कि सबका जो जो सबका सपना होता है हवाई जहाज से जाना हां भाई भैया भाई, हमें कभी अपनी लाइफ में ऐसा नहीं लगा कि हम हवाई जहाज से जा सकते हैं हाँ। क्योंकि हमारी लाइन बहुत अलग थी हवाई जहाज का क्या लेना देना आप सोचते अब कैसा लगता होगा हवाई जहाज में तो भैया ने हमारी सबसे पहला सपना वही पूरा करा कि हवाई जहाज में हमें बिठा दिया वहां पे ऊपर से अगर कसम से देखो मास्टर जी वनी भाई जा रहे थे हमारे साथ तो हम थोड़ा नर्वस रहते हैं ओपनली नहीं होते उनसे क्योंकि भैया है हमारे हम अपने बड़े भाई मानते हैं उन, उनको तो हम इतना ओपनली नहीं हो सकते थे लेकिन हमारे भैया बहुत हमसे फ्रैंक है बस सिर्फ फ्रैंक तब तक है जब तक हम इन्जॉय कर रहे हैं काम को लेकर भैया बिल्कुल बहुत समझाते रहते हैं हर चीज़ ओपन नहीं होते बट जब घूमने जा रहे तो एक इन्जॉयमेंट में तो हमारे भैया हमारे जैसे ही हो जाते हैं बहुत बढ़िया भाई अब हम बात करते हैं तुम्हारी पर्सनल लाइफ के बारे में ए, तुम्हारी लव मैरिज हुई है हाँ जी भैया तो वो किस्सा सुनाओ थोड़ा सा यार लव मैरिज भैया इसलिए ऐसे हुई है लाइक हम वीडियो शूट करने गए थे आ, मेरी मेरी वाइफ का रेस्टोरेंट है अच्छा। आ, माई पे अपने लोकल एरिया में मुस्तफाबाद में तो हम वहाँ पे वीडियो शूट करने गए तो वहाँ पे वीडियो शूट करी तो वहाँ पे उससे फर्स्ट टाइम मेरा कनेक्शन हुआ hmm. हमने बात बात करी hmm. लाइक एक ना कनेक्टेड फर्स्ट टाइम में बेसिकली लाइक क्रश तो मेरी उससे बात होनी चालू हो गई hmm. इंस्टाग्राम वगैरह पे <laughs> <देज। laughs> वहां पर बात शेयर हुई लाइक हैबिट अप एक दूसरे को जाना हमने वहां पे hmm. बात बात हुई हैबिट हुई एक दूसरे को मतलब लाइक हाँ इमोशंस शेयर हुए लाइक जो होते हैं इमोशंस तो ऐसे धीरे धीरे काफ़ी टाइम हो गया आठ महीने नौ महीने तो बस इसलिए घर में फिर बातें हुई शेयर हुई और इधर उधर दोनों तरफ से बात हुई तो वो हो चुक हाँ बातें हो गई उसके बाद रिश्ते विश्ता हो गया और शादी करी और मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ बस तुम अकेले अकेले खुश रहोगे तुम्हारा दोस्त कैसे खुश रहेगा भाई प्रिंस काशिफ की शादी <laughs> उसकी शादी कैसे कराई साहब भैया काशिफ भाई के नसीब वाले हैं काशिफ भाई उनके लिए हजारों उनके हजारों लड़कियां आती हैं उनके लड़कियों के फोटो आते हैं उनके पास <laughs> खाली फोटो क्या करेगा अगले में शादी करनी है भाई और पता है क्या कहता है ये अच्छी नहीं है नसीब देखो लड़कियों के फोटो आ रहे हैं ये अच्छी नहीं है ये अच्छी नहीं है ये अच्छी नहीं है बंदर डिसाइड ही नहीं कर पा रहा हजारों लड़कियों को तो वो क्या, क्या करेगा ये देखते हैं आगे पता चलेगा वो शादी कब करेंगे पता तो चल ही जाएगा मुझे लग रहा कि है कई सारी उम्र कुर्तन रहेगा काशिफ देखो <laughs> तो अब हम शादी से रिलेटेड जब बात कर रहे हैं तो एक बात मैं और सवाल पूछना चाहता हूँ बिल्कुल भैया पूछो दिल से बताना कसम खा के <laughs> शादी से पहले की जिंदगी अच्छी थी शादी के बाद की झूठ बोला तो भैया देखो कौआ खाएगा रहा सच बोला तो बीवी खाएगी <laughs> दोनों जगह से फसा दिया तो भैया तुमने एक सवाल एक सवाल ने दो जगह से फसा दिया मेरे को कैसे भाई भैया शादी से पहले वाली जिंदगी आदमी ना बिल्कुल आजाद घूमता है लेकिन शादी के बाद वाली जिंदगी मैं सच में बता रहा हूँ बनता है तो क्या क्या बंदिशी आ गई तुम पे मेरे को बंदी से भैया मेरी बीवी एक तो बहुत ज्यादा समझदार है <laughs> ये भी दिक्कत है, है ना अच्छे बी, like, बंदी से तो ये है कि टाइम से घर <laughs> <laughs> पहले क्या था किसी टाइम आ जाते थे <laughs> अब जैसे अब क्या होता है मैं बोल के चला जाता हूँ कि लाइक बारह बजे तक आना बारह बजे तक आ जाऊंगा मैं ऑफिस वगैरह से रात को हम डिस्कस करते हैं बारह बजे तक आ जाऊंगा बारह बजे करेक्ट कॉल आ जाती है कहा रह गए अरे मैं मका आ रहा हूँ अभी आधा घंटा में फोन कट जाएगा फिर आएगा आधा आधा घंटा बाद कॉल घंटा हो गया आए नहीं अभी तक मैं आ रहा रास्ते में पांच मिनट मारो मिनट मिनट बाद फिर कॉल आएगी रह गई कहाँ रह गए पांच मिनट होगी कहाँ रह गए यार आ रहा हूँ ऐसे ऐसे मतलब लाइक ये बंदी से तो पिछले जन्म में तुम्हारी बीवी के टीचर तो नहीं थी

पहले मैं सो तक सो का उठता था एक, -एक बजे शादी के बाद उठने लगा मैं बजे बजे लाइक ऑटोमेटिकली खुल जाती क्योंकि बीवी ना हैबिट बना देती है वो बजे उठती है तो दस बजे उठना पड़ेगा आपको भी क्योंकि अब वही ब्रेकफास्ट आपको काम हो पे जाना है लाइक ऐसा like, तो होता होगा ना कि मैं झाड़ू मार रही हूँ तुम पोछा मारो नहीं नहीं मैं मैं ऑफिस जा रही हूँ तुम घर की साफ सफाई करो नहीं ये नहीं है बट हाँ लाइफ में डिसिप्लिन आ जाता है शादी के बाद अच्छा हाँ सच्चाई तो कुछ हो रहा जो मैंने बोली है वो ही है ना है भाई नहीं <laughs> होता होगा बट ये मेरे साथ होता तो होगा वो देखो इनडायरेक्टली बंदा एक्सेप्ट कर रहा है घर पे विचार के जाते यही होता है और ये ये टॉक शो का एपिसोड आने के बाद तो बीवी तो चप्पल और जूते एक खड़ी होगी तुम क्लास तो तुम क्लास लगवाओगे <laughs> क्यों क्लास क्या है सच्चाई भाई देखो सच का सामना करो जिंदगी में एक बार इंसान को सच बोलना चाहिए तो गाइस जोक सपाट और जोया हम ऐसा कुछ नहीं कह रहे मजाक कर रहे हैं इसे कुछ नहीं कहा भाई मैं एक ऐसे जोक बोल रहा हूँ और मैं बता देता हूँ लोगों को जोया अरशद की वाइफ का नाम है हाँ बिल्कुल बिल्कुल और इनका एक पिज्जा कैफे है हाँ तो कोई भी मुस्तफाबाद आना इनके पिज्जा कैफे जरूर जाना अगर किसी को इनसे मिलना हो तो मुस्तफाबाद में पिज्जा कैफे का नाम बता दो सेल बढ़नी चाहिए उसकी वही पहुंचना है पिज्जा वहीं खाना भाई है भैया ने पॉडकास्ट में ही प्रमोशन कर दिया उसके एक लाख रुपए तो भाई एक लाख रुपए पेटीएम कर रहा हूँ भैया तो भाई तो भाई जिसको भी अर्शद के साथ फोटो खिंचवानी हो तो वही मिलेगा काशिफ भी वही मिलता है क्योंकि एक पत्ती कासिफ भी डालने वाला है उसको जनता हमारी फैमिली है और अपनी तो एक शर्त है पिज्जा खरीदना पड़ेगा क्योंकि बीवी और ना कुछ नहीं देती हाँ देखो वहां कुछ खाना पीना पड़ेगा चलो बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया तो अब हम अगला सवाल पूछते है जोया को तुम्हारी जुलमी शब्बो बनने से कोई एतराज़ तो नहीं है ये सवाल थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है भैया वो वो मेरे इस कैरेक्टर को लेके बहुत एक्साइटेड रहती है कब वीडियो आएगी अच्छा वो इस कैरेक्टर में मेरे को बहुत सपोर्ट करती है एक बार के बाद वो मेरे मेरे को कहती है कि जो तुम जुलमी शब्बो बनते हो ना तुम्हारी वीग ना बेकार हो चुके मैं नई वीग लाके दूंगी <laughs> वो उसको बहुत अच्छा लगता है वो कैरेक्टर अच्छा हाँ जो है कि घर में भी सबको अच्छा लगता है वो वाला कैरेक्टर बहुत बढ़िया उस कैरेक्टर ने ना, ना लाइक एक फैमिली बना ली बहुत घरों में चलती है लाइक वो वीडियोस तो अच्छा लगता है तो हम बात करते हैं कि तुमने एक ब्लॉग चैनल स्टार्ट किया अपनी बीवी के साथ कराए तो क्या क्या सोच के भाई देखो भैया लोग आजकल चल रहा है ब्लॉगिंग चल रही है तो हमने भी अपना एक अपना बीवी के साथ मैंने और मेरी बीवी ने डिसाइड करा था कि हम भी दिखाते हैं लोगों को अपना डेली रूटीन तो उसी पे हम काम कर रहे हैं और लोगों को वो भी पसंद आ रहा है हम दोनों का डेली रूटीन भी पसंद आ रहा है लाइक हम उसके रेस्टोरों जाते हैं कोई चैलेंजेस रखते हैं लाइक कॉफी चैलेंज उससे कॉफ़ी अच्छी बनती है तो मैं उसको गिफ्ट देता हूँ अभी हाल ही हाल ही में मैंने उसको उसकी मैंने कॉफ़ी चैलेंज रखा था उसने मेरे मैंने बोला था उसमें क्या अगर मेरे को कॉफ़ी अच्छी लगी तो मैं उसको गोल्ड गिफ्ट दूँगा तो मेरे को कॉफ़ी अच्छी लगी तो मैंने उसको गोल्ड की चेन दी थी अपनी अभी लास्ट लास्ट ब्लॉग में अपनी वाइफ को

तो शादी से पहले तुम्हारा वेट कितना था और अब कितना है शादी से पहले मेरा वेट था भैया सिक्सटी एंड शादी के बाद मेरा वेट है सिक्सटी फाइव पांच किलो बढ़ गया पांच किलो बढ़ गया खुशी से <laughs> देख रहे हो देख रहे हो देख रहे हो विनोद <laughs>

भाई एक मांसाहारी के लिए शाकाहारी बनना बड़ा मुश्किल काम है ये तो 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 सच तो बहुत बड़ी बात है आ, वैसे जोया को बड़ी खुशी तो होगी होगी होती हो ना पूछो किस चीज से गैस करो 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 तुम गैस करो। उसको सबसे ज्यादा खुशी किस चीज से होती होगी तुम्हारे शूट को लेके उसको सबसे ज्यादा खुशी यही है कि मेरा अगर तुमने गैस किया ना तो मैं तुम्हें अभी हजार रुपए दूंगा सही ही गैस किया था उसको खुशी इस वजह से होती होगी लाइक मेरे को मेरा हस्बैंड ऐसा मिला है लाइक like, पूरे हिंदुस्तान उसको जानता है अच्छा सबसे बड़ी बात उसके लिए ये और बहुत केयरिंग है उसकी मैं सच में बहुत और कुछ करता और कुछ गलत है तुम्हारे सारे ऑप्शन <laughs> भैया हजार रुपए के चक्कर में तुम गलत कर रहे हो <laughs> <laughs> नहीं भाई तुम खुद एक्सेप्ट करोगे कि मैंने जो बात बोली बिल्कुल सही है जो देखो आर गए तो तुम्हें हजार रुपये देने पड़ेंगे फिर बोलो 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 इतना टाइम नहीं है चलो तो खत्म टाइम भाई आ र चुका है 1000 हजार पे लूंगा भाई शूट के बाद ठीक है भाई पता है तुम्हारी बीवी को सबसे ज्यादा तुम्हारे शूट के बारे में क्या पसंद है बताओ तुम्हारे शूट में कोई लड़की नहीं है ये मजा नहीं सच में भाई बहुत भाई मेरा कार्ड मेरा पॉइंट दिया बात है फ्यूचर गोल्स क्या है तुम्हारा मेरा फ्यूचर गोल्स भैया ये है देखो फ्यूचर गोल्स बहुत से होते हैं मेरा फ्यूचर गोल्स है मेरे को web में काम करना मेरे को वेब सीरीज में काम करना मेरा सबसे बड़ा फ्यूचर गोल्स है उसमें वेब सीरीज में सैड एक्टिंग करना सबसे ज्यादा मेरे को सैड एक्टिंग करना बहुत पसंद है मेरे को सबसे ज्यादा वो पसंद है और मैं फ्यूचर गोल्स मेरा यही है कि मैं वेब सीरीज में web सैड uh, एक्टिंग करूं या फिर हरामी वाला रोल करूं निगेटिव रोल करूं hmm. मेरे को वो पसंद है जैसे लाइक like भाड़पुर में हम मैंने किया था hmm. वो लाइक okay. like उस टाइप के रोल्स मेरे को बहुत पसंद है तुम्हारा सबसे बेस्ट फ्रेंड कौन है टीम में हाँ. देखो वैसे तो पूरी टीम ही एक हमारी फैमिली और फ्रेंड्स है बट जो जैसे बातें शेयर करते हैं ना काशिफ भाई अच्छा सर कुछ बात शेयर करना जैसे काशिफ की और इकरार की बहुत लड़ाई होती है काशिफ हाँ हम मजे लेते हैं उसमें <laughs> तो ऑडियंस वो क्या वो कहते हैं ना <laughs> <laughs> एक भैया एक एक वर्ड है, है? जैसे जो बीच में मजे लेने वाले होते हैं है? चुप छिनाल अच्छा <laughs> वो आम है हम पिल लगाने वाले हैं चुप छिनाल वाले काम करने वाले हम जब इनकी होती है हमें बहुत मजा आता है सब हंसते हैं इंजॉय करते हैं टाइम का पता नहीं चलता लेकिन हम जब रुक जाते हैं तो पिन लगाते हैं ताकि वो दोबारा हो ताकि, ताकि तुम्हारा टाइम पास हो जाए तुम बैठे हाँ। हो अच्छा कोई टीम का ऐसा बंदा जो तुम्हें थोड़ा कम पसंद हो थोड़ा सा है थोड़ा कम <laughs> <laughs> बता ना बनता है सवाल का जवाब बनता है <laughs> देखो भैया पसंद कम पसंद देखो होता है देखो कि मुझे ये बंदा थोड़ा ज्यादा पसंद है ये थोड़ा सा कम पसंद है बस

तो सबसे पहला नाम मास्टर जी वेरी इंटेलिजेंट बनी इंटेलिजेंट mm, इतना टाइम नहीं लेना भाई बहुत फास्ट जवाब देना ठीक है शाहरुख आलसी इकरार uh, टाइम uh, नहीं लेना भाई uh, जल्दी जल्दी आलसी काशिफ एक्टिव खुद के बारे में अरशद बहुत ज्यादा एक्टिव <laughs> <laughs> ओ भाई बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया चलो अब एक बात करते हैं तुम्हारी साली कैसी है मेरी साली बहुत बढ़िया है उसका नाम क्या है अमरीन अमरीन हाय हाँ। हाँ, अमरीन अगर तुम ये वीडियो देख रही हो तो प्लीज कमेंट कर देना अच्छा अब बात करते हैं <laughs> मैंने काशिफ से पूछा था मैंने सुना है काशिफ ने कोलैब करा था उसने अमरीन ने एक वीडियो बनाई थी लाइक आंसू से डलती हुई काशिप ने उसको क्रैक क्रैक कर कर दिया दिया <laughs> उस वीडियो को वो वो मतलब तो नकली एक वीडियो थी मेरे याद नहीं आ रहा गाने का उसमें वो आंसू ऐसे फेंकती है।, है तो काशिप ने वो वीडियो क्रेक करके उसको बोतल से वो पूरी बोतल के आंसू बना के अपने ऊपर फेंकवा दिए मतलब एक कंटेंट बना दिया उसमें काशिप ने तो बहुत मजेदार था ऐसे तुम्हारी साली ने कहा नहीं कि काशिफ किस दिन लेके देना साथ नहीं, नहीं। <laughs> मेरी बताते और काशिफ है नहीं नहीं, नहीं। वो भैया हमें बताया ना वो भी वो उस चीज को समझती है लाइक शूट वोट पे वो मजाक है, हाँ, है। हाँ, हाँ। और देखो इंसान अपनी साली के साथ मजाक नहीं करेगा तो किसका बिल्कुल बिल्कुल अच्छा एक बात हो अगर जैसे काशिफ की और इकरार की लड़ाई होती है तो तुम किसकी साइड पे खड़े होते हो मैं काशिफ भाई की तरफ खड़ा रहूंगा क्यों क्योंकि भाई वो बहुत मजबूत है <laughs> बहुत ज्यादा मजबूत है काशिफ वो अकरार भाई की गर्दन भी पकड़ लेगा ना अकरार भाई छुड़ा नहीं पाएंगे लाल हो जाएंगे तो मैं क्यों हूँ अकरार भाई की तरफ से बॉडी देख के मैं बिलीव नहीं करता मजबूती पे आना चाहिए भाई <laughs> सही कह रहा है डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर हाँ जी भैया टीम का सबसे फनी आदमी कौन है काशिफ भाई टीम का सबसे रोनतड़ो आदमी कौन है शाहरुख भाई इंस्टेंट आंसर शाहरुख भाई, तो भाई। चलो कोई नहीं कोई नहीं ठीक है अभी शाहरुख तुम्हारा भी नंबर आएगा कोई दिक्कत नहीं टेंशन मतलब तुम्हारा भी नंबर आएगा थोड़े दिनों बाद तुमसे भी सवाल जवाब करेंगे शाहरुख भी फुल बड़ा से निकालने वाला ध्यान रखना कोई बात नहीं भैया जो तो, रियलिटी है वो हमारे बारे में रियलिटी बोलेंगे <laughs> अब अपने मेन उस पर आ जाते हैं अब अच्छा अपनी लाइफ का कुछ एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे जो थोड़ा हमारी जनता के लिए बड़ा मोटिवेटिंग हो सकता है कुछ ऐसा पॉइंट हाँ भैया मैं एक चीज़ शेयर करना चाहूँगा देखो मैं जो मैं था मैंने कभी नहीं सोचा कि मैं आज इस मुकाम पे आ जाऊँगा बट इस मुकाम पे आने के लिए जो मैंने किया है मैं वो शेयर करना चाहूँगा मैं एक छोटे से गांव में से निकला हुआ लड़का था मैं दिल्ली आया मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा अपना गोल सेट करा और आदमी कहाँ मार खाता है जहां वो गोल सेट करने में अपनी मार खा जाता है फर्स्टली uh, अपनी चॉइस ना फर्स्ट रखो कि मेरे को इस गोल पे इस गोल पे काम करना है उस गोल पे ही काम करना चाहिए अदर गोल अपने माइंड से बिल्कुल हटा दो अगर तुम uh, कहीं कितने सारे गोल लेके फोकस करोगे कि यार मैं ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ ये भी कर लूँ लू, वो कभी सक्सेस नहीं हो पाएगा मेरी लाइफ के ना मेरी लाइफ में दो गोल हो चुके थे एक मेडिकल लाइन डॉक्टर वाली एक सोशल मीडिया लाइन अब मैंने फोकस उस चीज पे दिया जो मैं अच्छे से कर सकता हूँ मैंने अपनी वीडियो लाइन सोशल मीडिया को सबसे फर्स्टली चुना और मैंने उसी पे ही मेहनत करी बहुत बेहतरीन भाई बहुत बेहतरीन फोकस ऑन फोकस रखो सिर्फ एक ही गोल पे और उसी पे मेहनत करो सक्सेस तुम्हारे पास भगी आएगी और कोई ऐसी चीज़ शेयर करना चाहोगे कि ज़िंदगी में कभी कुछ भी हो जाए ये मत करना भाई हमेशा फैमिली के से कनेक्टेड रहना और फैमिली को फर्स्ट रखना क्योंकि फैमिली से ही आप खुश रह सकते हो फैमिली के बिना आप खुश नहीं रह सकते हो ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ मैं बहुत बेहतरीन भाई तो गाइस आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताओ और अरशद बाबू तुम्हें मेरे साथ बात करके कैसा लगा इस शो पे आगे कैसे अच्छा। लगा कसम से भैया बहुत अच्छा लगा भैया एक किस्सा रहेगा जो एक बहुत फनी किस्सा था बता हो। एक बार ए, मैं स्कूटी पे घर पे घर पे आ रहा तो एक बंदा पीछे से आ, वो आगे जा रहा मैं भी स्कूटी से पीछे जा रहा तो गुटका खाते हैं ना वो साले ने गुटका खा के ऐसे थूका तो मेरे ऊपर आके गिरा और मुझे भैया इतना गुस्सा आया मैं खड़ा खड़ा स्कूटी रोक के उसके पास गया मास्क उतारा मैंने तो उसके एकदम इंस्टेंट रिएक्शन बदल गए भाई बिग फैन यार भाई बिग फैन यार मैं तुम्हारी वीडियो देखता हूं सारा गुस्सा भाई ऐसा फैन मोमेंट नहीं देखा मैंने वो कह रहा भाई सॉरी यार भाई मेरे घर वाले सारी वीडियो देखते हैं आपकी मैं भाई ओ आप यहाँ दिखे हो मैं उसे क्या कहूँ अबे मैं कह रहा हूँ यार तुम देख के तो मेरा सारा गुस्सा यहाँ पे तब्दील हो गया अबे यार भाई देख के तो थूक लिया करो गया मारने के चक्कर में मैं कह रहा था यार देख के तो थूक लिया करो कह यार भाई यार फोटो भाई यार फोटो सारा गुस्सा खत्म ये मेरा फनी मोमेंट था तो गुस्से वाला <laughs> <laughs> नहीं बहुत बढ़िया भाई बहुत बढ़िया मजेदार और तुम्हारी जिंदगी की एक बेहतरीन शुरुआत

एक से एक हस्ती आती है आज हमें मौका मिला भैया के पास आने का और भैया के चैनल पे कितने सब्सक्राइबर हो गए सिक्सटी थाउजेंड सिक्सटी थाउजेंड इतनी ये जब मेरा पॉडकास्ट आएगा ना ये वाला तो भैया एक लाख सब्सक्राइबर हो जाने चाहिए ये अपील कर रही है चुल भी सब तुम्हारी <laughs> तो भाई अपील करिए अब तो मेरे एक लाख सब्सक्राइबर बिल्कुल 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 अगर एक लाख नहीं कराए ना तो मैं बुरा मान जाऊंगा देखो भैया बुरा नहीं मानने देना भैया को इधर से इधर आ जाओ चाहे बुरा नहीं मानने देना तो चलो गाइस बाय बायी से